Hello friends, welcome back to my YouTube channel Studyship with Krati. In this video lesson, we are going to continue our 7th chapter of history class 11 in Ncert. Our chapter 7 name is Changing Cultural Traditions. This is part 3 of this chapter. Let's continue the remaining topics. Our next topic is the aspiration of women. Us time par condition kya thi women's ki? वुमेन की अगर हम बात करें कल्चर चेंज हो रहा था लिटरेसी जो है वो बढ़ रही थी इस कंडीशन में जो वुमेन का रोल है वो भी बढ़ना चाहिए लेकिन ये देखा गया कि वुमेन का जो रोल है हर एक्टिविटी में काफी ज्यादा कम था एक लिमिट थी उसकी और आप कह सकते हैं था ही नहीं जो बाकी ज्यादा जो पॉलिटिकली डिसीजंस लेने हो या फिर बाहर के डिसीजंस लेने हो घर के लिए लेने हो सारे कौन लेते थे मैन लेते थे इससे ये पता चलता वो सोसाइटी जो थी वो मैन डोमिनेंट थी साथ ही साथ डिसीजंस लिया करते थे लेकिन अगर हम बात करें बाकी लोगों की जैसे कि ट्रेडर्स हुए रिच मर्चेंट्स हुए तो उनकी वाइफ जो थी वो उनकी हेल्प कराती थी कैसे कराती थी कि अगर उनको जो है ट्रेड के लिए बाहर जाना है बाहर जाने के लिए एब्सेंस ऑफ उनके एब्सेंस में उनका बिजनेस कौन संभालेगा उनका जो काम है वो कौन देखेगा तो वो देखने का काम करती थी उनकी वाइफ्स अगर हम इसी टाइम की जो महान वुमेन थी उनकी बात करें पहले तो थी वेनिटी एंड फेडरी जो थी ये विद्वान थी बहुत ही क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी कोई लेडी और वो भी विद्वान क्योंकि वहां पे पहला तो ये कि यूरोप में जो उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं लिटरेसी की जितना भी हमने पहले पार्ट्स में डिस्क्राइब किया कि उसमें जो है केवल जो बॉयज को एजुकेशन दी जाती थी गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी तो इस टाइम पे ये इनके लिए बहुत बड़ी बात थी इनको महारत हासिल थी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में इनको जहां तक कि ओरेशन के लिए भी बुलाया गया था यानी भाषण देने के लिए बुलाया गया था यूनिवर्सिटी पादुआ यूनिवर्सिटी में इनको भाषण के लिए भी बुलाया गया था इसाबेल की बात करें ये दूसरी वुमेन थी जिन्होंने अपने उनके जो हस्बैंड थे वो बाहर गए हुए थे उनके हस्बैंड नहीं थे उस टाइम पे जो है उस एरिया को उन्होंने रूल किया क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो एक शासक थे उस टाइम पे वो किसी काम से बाहर गए तो उन्होंने पूरा जो राज्य है खुद संभाला तो इनका भी काफी ज्यादा रोल है इन्होंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर काम जो है एक रूलर जो करता है वो किया वो भी वुमेन होकर जो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी और नेक्स्ट टॉपिक इज डिबेट्स विद इन अ क्रिश्चियनिटी अब लिटरेसी बढ़ी बाकी सारे काम हुए तो इस साथ ही साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी ज्यादा हो रहे थे डिबेट्स हो रहे थे क्रिश्चियनिटी मतलब एक ही रिलीजन के अंदर लोग क्वेश्चन अराइज करना स्टार्ट कर दिया अगर हम थॉमस मोरे और एडामस जो हैं इन दोनों की बात मानिए स्कॉलर्स की बात माने तो इनका मानना था कि ये जो प्रीस्टेस हैं क्लर्जीज हैं वो बर्बाद कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी रिलीजन को इनका मानना था कि ये लूटपाट करते हैं और बात सही है क्योंकि जो प्रीस्टेस थे जो क्लर्जीस थे वो रिलीजन के नाम पे है लोगों से फालतू का काम करवाते थे फालतू का काम मतलब उनसे जबरदस्ती का पैसा हड़पना ये दे दीजिए तो जो है गॉड ऐसा हो जाएगा जबरदस्ती का हर काम करवाना रिलीजन के नाम पे काफी गलत काम होता था तो इनका मानना था कि ये जो है लुटेरे हैं ये सब लोग हैं सब गलत काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जब इन लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया तो बाकी लोगों बाकी जो स्कॉलर्स हैं बाकी जो कॉमन पीपल है उनका भी ध्यान दिया कि यार ये तो गलत हो रहा साथ ही साथ गलत हुआ लेकिन फिर इससे जो है काफी ज्यादा लॉस हुआ क्योंकि लोगों का जो है ध्यान डाइवर्ट हो रहा था ना और एक और बात है कि यहाँ पे जब प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्वेंट हुई थी तो लोगों को बाइबल हुई और बाकी सारी बुक्स हुई बाकी सारे रिलीजन्स की जो बुक हुई धार्मिक ग्रंथ हुए वो पढ़ने को मिली क्योंकि पहले तो ये लिखी जाती थी काफी कॉस्टली होती थी अब लेकिन जो है प्रिंट होने लगी और साथ ही साथ ये जो है कॉमन लैंग्वेज में भी होने लगी क्योंकि जो एक एरिया की भी लैंग्वेज होती है यानी स्थानीय लैंग्वेज स्थानीय भाषा उस जगह की तो अब हर भाषा में जो है बुक प्रिंट होने लगी दैट मीन्स वेदर किसी को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आती हो या नहीं लैटिन आती हो ग्रीक आती हो नहीं लेकिन अगर आपको स्थानीय लैंग्वेज आती है तो वो लोग भी जो है उस बुक को पढ़ सकते थे
बुक से जो है सही बातें पता चलती। जो क्लर्जीज थे ये सारी गलत बातें बताते थे कि गॉड कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, जीसस ने ये कहा ऐसा करेंगे आप तो ऐसा होगा, लोग मान लिया करते थे। बट बुक आ गई, अब लोग खुद पढ़ने लगे, उनको खुद ट्रस्ट हो गया कि ये क्लर्जीज हैं, प्रीस्टर्स हैं, ये सारे गलत काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है बाइबल में तो भी ऐसा कर रहे हैं। अब इस बात से जो है क्लर्जीज को, क्लर्जी हुए, प्रीस्टर्स हुए, उनको खतरा हो गया। अब उन्होंने जो है अच्छे काम करना स्टार्ट कर दिया, अच्छे काम स्टार्ट करना, जैसे जो अपना पैसा है थोड़ा गरीबों में लगाना, और जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उन्होंने बदलाव किए। क्यों? क्योंकि उनके लिए खतरा लग रहे थे, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो कोई भी जो है इंसान, को भी कॉमन पीपल भी है, वो उनके पास नहीं आएगा, वर्शिप के लिए नहीं आएगा, उनका आय का जो जरिया है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो है डिबेट्स हुए थे क्रिश्चियनिटी में, मतलब एक ही रिलीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, लोग जो है क्योंकि लिटरेट हो रहे थे तो क्वेश्चन अराइज कर रहे थे कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये ऐसा है तो क्यों हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द कॉप्रिकन रिवॉल्यूशन। द कॉप्रिकन रिवॉल्यूशन, एक साइंटिस्ट थे कॉप्रिकन, अगर हम उनकी माने तो उन्होंने इन्वेंट, जो क्लर्जीज थे उन्होंने बोला था कि ये जो पृथ्वी है ना, ये अर्थ है, ये है पूर्व, बहुत बढ़िया, सारे यूनिवर्स में यही है, और उसके आसपास जो है बाकी सन हुए ये सब क्या इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। बट इन्होंने क्या बोला, और उनका मानना क्या था, अर्थ क्यों स्टेबल है, अर्थ इसलिए स्टेबल है, मतलब एक जगह पे स्थिर है, अपनी जगह पे है, इसलिए है क्योंकि इंसानों का जो है, ह्यूमंस का जो है, वो इतने ज्यादा पाप किए उन्होंने, उसके भारीपन की वजह से जो है ये स्टेबल हो गई। बट जो कॉपरिकन थे, साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने इस बात को गलत प्रूफ किया, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स में जो है बीच में जो है सन है, उसके आसपास बाकी जितने भी प्लैनेट्स हुए वो एलिप्स में, एलिप्स में मतलब एक आप शेप ले लीजिए, गोल नहीं, इस तरह का जीरो टाइप का मान लो आप, ये हो गया ओ, ओ क्योंकि बिल्कुल गोल होता है, और ये जीरो, इस तरीके से कुछ इस पैटर्न में जो है, यहाँ पे सन है और बाकी सारे इसको उसकी चक्कर लगा रहे, इसके आसपास घूम रहे हैं, उन्होंने ये बताया। बट उन्होंने ये, जब उन्होंने इसके बारे में खोज की कॉपरिकन ने, तो उन्होंने इसके बारे में बताया नहीं किसी को, क्यों नहीं बताया, एक तो उनको डर था, उनको ये डर था कि अगर ये बता दिया गया तो उनके लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि रिलीजन के ऊपर उंगली उठाना एक बहुत ही बड़ा काम था जो हर कोई नहीं कर सकता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की भी बात करें तो ये बहुत डिफिकल्ट है, रिलीजन के खिलाफ जाएंगे तो पक्का उस टाइम का तो, उस बंदे का तो हो जाना है काम। तो उन्होंने ये नहीं बताया, बट जब वो मरने वाले थे, एट लास्ट जो है वो मरने ही वाले थे, कुछ टाइम रह गए थे, तब उन्होंने जो है जो बुक बनाई थी पूरी, उन्होंने एक पूरी बुक बनाई थी जिसमें इसके बारे में लिखा था, उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे उनको दे दिया था, वो थे जुआन चिम रेटिकस, उन्होंने उनको ये बुक है हैंड ओवर कर दी। फिर ये जो बुक है उन्होंने बाकी लोगों को बताया इसके बारे में कि एक्चुअली जो है ये बात है, बल्कि जो क्लर्जी हैं हमको गलत बताते हैं, तो लोग जो है अवेयर हुए। ये था कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन, इसको कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज रीडिंग द यूनिवर्स। रीडिंग द यूनिवर्स मतलब काफ़ी जो है लोग फिर जानने लगे इसके बारे में, नहीं ऐसा है, अब ये है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज वॉज देयर अ यूरोपियन रेनेसेंस इन द 14th century। क्या यूरोप में जो है, क्योंकि हम ये सारा यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 में, कल्चर जो है, ट्रेडिशंस हैं, कैसे आए, क्या कल्चर था, यूरोपियन जो है उनमें रेनेसेंस देखने को मिला, यानी पुनरुत्थान, यानी रिबर्थ हुआ, कल्चर का जो है रिबर्थ हुआ था, किस तरीके से हुआ था 14th century में। हमने पूरा चैप्टर सी के बारे में रहा, तो हम कह सकते हैं हाँ हुआ था, कई तरीके से हुआ था। यूरोपियंस जो थे उन्होंने ना केवल रोमन और ग्रीक से सीखा, साथ ही साथ उन्होंने इंडिया, अरेबिया, चाइना, ये जो बाकी ईरान, ये सारे ये जो देश थे, इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और साथ ही साथ जो है मंगोल्स और चाइनाज के साथ जो है इनका, मंगोल और चाइनीज की वजह से इनका ट्रेड फैला, आसपास जो है दूर दूर तक ट्रेड फैला,
अब किसी के पहुंच तक नहीं था और साथ ही साथ लिटरेसी आ गई थी, मतलब लोग पढ़े लिखे हुए थे, काफी नई चीजों का इन्वेंशन हुआ, आर्टिस्ट्स हुए, कई सारी चीजें नई चीजें आई और दूर दूर जो है ट्रेड करना आसान हो गया, बहुत दूर दूर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कई क्योंकि इन्वेंशंस भी कई सारे हो रहे थे ना। सबसे बड़ा जो है इसमें माना गया है कि प्रिंटिंग प्रेस का जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उसको अच्छे से याद करें इट विल बी बेटर। तो ये सारे चेंजेस हुए थे। हियर वी फिनिश्ड आवर चैप्टर। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट लाइक एंड टेल मी थ्रू कमेंट्स वेदर यू लाइक इट और नॉट, एंड यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।